साथियों नमस्कार, कैसे हैं? आज मैं एक नए स्वरूप में आपके सामने शुक्रवार को एक प्रेरक कहानियों का दिन बना रहा हूं। वैसे तो आज हमारे वक्ता प्रवीण सिन्हा का दिन था, उनको कुछ बोलना चाहिए था, बोलते भी हैं, लेकिन आज उनके पास कोई कदाचित तकनीकी दिक्कत आ गई, क्या हुआ ईश्वर जाने, लेकिन जो उन्होंने बताया उसको मैं विश्वास करके हुए मैं सोचता हूँ कि उनकी जगह पे आज मैं उनका स्थान ले लूँ। और आज मित्रों मैं आपको एक बहुत ही प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप उस व्यक्ति के पता नहीं कितनी बार वीडियो डाल चुके हैं, देख चुके हैं, वो सब कुछ जीने, दोनों हाथ नहीं पैर नहीं और जीने पर चढ़ता है, पूरा बंगला है, सब कुछ है। तो आज मैं उन्हीं की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। निक ब्यूजेशिक उनका नाम है। निक नाम छोटी ई की मात्रा का, निक ब्यूजेशिक आधा वा, या में बड़े ऊ की मात्रा, जा में ए, सा में छोटी ई की मात्रा का निक ब्यूजेशिक एक ऐसी शख्सियत है जिनको स्टोरी पढ़ने के बाद आप निराशा छोड़ देंगे। आप मन में जो ये सोच रहे हैं कि हमारा तो जीवन बेकार हो गया, हम दिव्यांग हो गए या हम सकलांग भी हैं और हाथ पैर सब कुछ हैं लेकिन हमको कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबी में हम पूरा जीवन प्रतिहत बिता रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये सब आज अभी कहानी सुनने के बाद ये सब भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ निक ब्यूजेशिक की कहानी सुनाने के लिए। निक ब्यूजेशिक वो शख्स हैं जिनके दोनों हाथ नहीं, लेकिन अपनी किस्मत उन्होंने खुद लिखी है, दोनों पैर नहीं हैं, लेकिन आज सफलता की दौड़ में वो काफ़ी दूर निकल गए हैं। अब कमाल की तो बात ही है, उनका कहना है कि अगर आपके साथ चमत्कार नहीं तो आप खुद एक चमत्कार बन जाएंगे। क्या कहते हैं? अगर आप के पास कोई चमत्कार नहीं है, आज आप अभी तक कोई चमत्कार नहीं देखे हैं, आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ है, तो आप अपने जीवन को ही ऐसा कुछ करें कि दूसरों के लिए वो चमत्कार बन जाए। तो सच में उन्होंने चमत्कार गढ़ा है और चमत्कार बनाया है। अनिक ब्यूजेशिक एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर भी है, प्रेरक वक्ता है। हमारी तरीके से मैं तो प्रेरक तो नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा अच्छा वक्ता भी नहीं हूँ, लेकिन दिव्यांग मैं भी हूँ, मैं भी दोनों पैरों से दिव्यांग हूँ, मैं भी व्हील चेयर पर्सन हूँ, व्हील चेयर आपको दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन व्हील चेयर पर्सन हूँ, और कमोबेश अपनी ऊर्जा के हिसाब से दौड़ रहा हूँ, पैर नहीं लेकिन दौड़ रहा हूँ। कभी न कभी किसी समारोह में जाता हूँ, किसी से मिलता जुलता हूँ, कभी अपने दिव्यांग व्यक्तियों की गरीबी, दिव्यांग व्यक्तियों की परेशानी, दिव्यांग व्यक्तियों की दिक्कतें, दिव्यांग व्यक्तियों के ऊपर जो शोषण हो रहा है उसके ऊपर आवाज़, ये सब उठाने का प्रयास तो करता हूँ। अब वो प्रयास से सफलता प्राप्त कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ, लेकिन कुछ न कुछ करता हूँ। लेकिन मेरे भी आदर्श निक ब्यूजेशिक की तरीके से कई हस्तियाँ रही, चाहे वो काली विनोद तिवारी हों, चाहे हमारे कोई भी बहुत सारे दिव्यांग रहे हों, लेकिन आज हम जो आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं निक ब्यूजेशिक की, तो निक ब्यूजेशिक एक ऑस्ट्रेलियाई प्रचारक के रूप में जाने जाते हैं। निकोलस जेम्स ब्यूजेशिक का जन्म 4 दिसंबर 1982 को हुआ था। जन्म से ही निक टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम के साथ पैदा हुए। टेट्रा अमोलिया सिंड्रोम एक दुर्लभ विकार है जिससे हाथ और पैर शरीर में नहीं होते, मतलब हाथ और पैर शरीर में होते ही नहीं, जन्मजात ही हाथ पैर शरीर में नहीं होते, तो ये एक विकार है। अब प्रभु जिसको जो भी दे दे, तो जन्म से ही ऐसा जीवन बिताना यकीनन निक के लिए काफ़ी संघर्ष भरा रहा होगा। जब वो दूसरे बच्चों को भागते खेलते देखते थे उन्हें कैसा प्रतीत होता होगा, ये तो हम लोग जानते हैं, हम दिव्यांग जन, जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं वो सब जानते हैं। निक हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछते थे
कि क्या मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी, मेरे जीने का कोई मकसद नहीं होगा। लेकिन भगवान पर भरोसा और कठिनाइयों से लड़ने का निश्चय, उनके शक्ति के माध्यम से जीवन की चुनौतियों को पार करने के लिए बल देता रहा। अब ये बल कैसे मिला? उनके माता पिता ने उन्हें काफी प्रेरित किया। विकलांग स्कूल भेजने के बजाय उन्होंने निक को एक सार्वजनिक स्कूल में भेजा। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, हम में से जैसे आप हैं, हम हैं, बहुत सारे हैं, हम लोगों के लिए चूंकि हमारे भारतवर्ष में एक ऐसा कालखंड था जिसमें दिव्यांगों के लिए स्पेशल स्कूल तो होते ही नहीं थे, तो हम लोगों की तो व्यवस्था थी, खैर विदेश में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के दूसरे देशों में, गरीब देशों को छोड़ करके जो रिच कंट्री हैं, जापान है, ब्रिटेन है, इनमें सब एक स्पेशल स्कूल्स बहुत दिन से 50-60 साल से चल रहे हैं, तो वहाँ पे स्कूल भेजना चाहते थे। लेकिन निक के माता पिता ने उनको ऐसे स्कूलों में नहीं भेजा, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों या सहकर्मी हों, उन्हें सभी ने उन्हें काफ़ी प्रेरित किया। हमारे समाज में भी बहुत प्रेरणा मिलती है, हमारे समाज में भी कोई हतोत्साहित नहीं करता कि ये दिव्यांग हो गया, दिव्यांग हो गया, सब आपको सहायता करते हैं, सब आपको सहयोग देते हैं। जब निक 17 साल के थे और हाई स्कूल में पढ़ रहे थे, तो अक्सर वो वहाँ के चौकीदार के से बात किया करते थे। चौकीदार जब उनकी बात सुनता था तो बहुत प्रभावित होता था। एक दिन चौकीदार ने निक को बताया कि आप एक वक्ता बनने जा रहे हैं। चौकीदार ने कहा कि आप हमसे बात करते हैं, हम जब इतना प्रभावित होते हैं, अगर बहुत सारे लोगों के सामने आप बात करें तो आपको, इसलिए निश्चित रूप से आप एक बहुत बड़े वक्ता, स्पीकर, दूसरों को आगे बढ़ा सकते हैं। वो चौकीदार ही उनके लिए मुख्य प्रेरक बन गया। चौकीदार की इस बात ने निक का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। फैसला किया कि वो अपनी कहानी से दूसरों को प्रोत्साहित करेंगे। देखिए, निक ने कुछ दोस्तों को की मदद से ये खबर फैला दी कि निक भाषण देंगे। अब अपने दोस्तों से उन्होंने कहा कि निक भाषण देंगे, लोगों ने प्रचार हो गया, समाज में हो गया, लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं, क्या बोलेगा, अपने विषय में बोलेगा कुछ। निक ने 6 छात्रों के सामने अपना पहला भाषण दिया। वो 6 छात्र बहुत प्रभावित हुए, अपने स्टूडेंट्स, अपने सहपाठी थे, 6-7 छात्रों के सामने सबसे पहले भाषण दिया और बहुत प्रभावित हुए, उनके फैन बन गए। धीरे धीरे उनके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई। निक ने एक नॉन प्रॉफिट संगठन लाइफ विदाउट लिम्स यानी अंगों के बिना जीवन की स्थापना की, जिसमें वो अपनी कहानी से लोगों को मोटिवेट करते थे और उन लोगों से के खिलाफ अभियान चलाते थे जो दूसरों पर बोझ दिखते थे। अब देखिए, अब इसमें कुछ लोग कह सकते हैं ऐसा क्यों, कुछ लोग जो हमेशा दूसरों के सहारे रहते थे उनके खिलाफ हो, चाहे वो दिव्यांग ही क्यों ना, उनके खिलाफ वो, और उस पर सकलांग भी थे, अरे हम कुछ कर नहीं पाते, बैठे हैं, या कुछ पैर वैर सब कुछ हाथ पैर होते थे, तो ऐसे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक आंदोलन चलाया। सन 2008 में निक की मुलाकात एक लड़की से हुई जो उनकी मोटिवेशनल स्पीच से बहुत प्रभावित हुई। दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने 4 साल बाद शादी कर ली। जब निक विजयसिक 4 बच्चों का पिता है और अपनी लाइफ में बहुत खुश है। 37 साल की उम्र में अपने पहले भाषण से लेकर अब तक निक लगभग पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर चुके हैं, पूरे विश्व की यात्रा, भारत भी आ चुके हैं। आज निक सबसे ज़्यादा डिमांडिंग स्पीकर है, सबसे ज़्यादा उनको सुना जाता, सबसे ज़्यादा निक विज्ञापन, फिल्मों में ही अपना अभिनय कर चुके हैं। अब निक के पूरे वर्ल्ड में करोड़ों प्रशंसक हैं और युवाओं के आइडियल हैं, युवाओं के आदर्श हैं। अब आप देखिए, हम लोग फिल्मी हस्तियों के पीछे दौड़ते को मिले, लोग फिल्मी हस्तियाँ, बड़ी बड़ी हॉलीवुड, बॉलीवुड की फिल्मी हस्तियाँ उनके दीवाने हैं।
युवाओं के आइडियल हैं। निक अपनी खाली समय में पेंटिंग, स्विमिंग आज सब करते हैं और अपनी पत्नी के साथ होता क्या है, आपने तो देखा होगा, पत्नी उनकी एक बास्केट में उठा करके उनको चलती है। निक आज सक्सेसफुल राइटर भी हैं। उनकी पहली बुक को 30 भाषाओं में अनुवाद किया गया है। जहां लोग छोटी छोटी परेशानियों से हिम्मत हार जाते हैं, वहीं निक की कहानी हमें असंभव को संभव बनाना सिखाती है। अपनी सकारात्मक दृष्टि से कुछ भी संभव है। ऊपर वाला कुछ लेता है तो आपको कुछ देता है, उसके बदले में बहुत कुछ देता है, बस आपको पहचानने की देर है। अभी भी उम्मीद न छोड़ें, अपने आप पर भरोसा रखें और बिना पीछे देखे लाइफ में आगे बढ़ते रहें। अब आपको ये कहानी कैसी लगी अपने कमेंट से जरूर हमें बताइएगा। अब मैं कुछ इस कहानी के आगे के हिस्से पे थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ। हमारे सामने क्या है, हमारे जो भारतीय बल्कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल और शहर के अच्छे उनकी कोई मतलब ये नाटकीयता नहीं है, लेकिन सच है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि पेंशन हमारी 250 है, 500 कर दी जाए, 500 है, 1000 कर दी जाए, 1000 से 1500। भाजपा ने अपने विज्ञापन में कहा है कि हम अगली बार सत्ता में जो आ रहे हैं तो 1500 कर देंगे, अभी उन्होंने ही बढ़ाया 1000, खैर वो कर देंगे। हम पेंशन बढ़ाने के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते, बस पेंशन हमारी पड़ जाए। हम क्यों नहीं एक निक के ही तरीके से एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं? आप में हमारे जितने दिव्यांग हैं, जितने सकलांग हैं, चाहे कोई युवा हो, उसमें कोई न कोई एक प्रतिभा ऐसी छिपी होती है जो वो उस प्रतिभा को आगे बढ़ा सकता है, उस प्रतिभा को इतना आगे बढ़ा सकता है कि उस प्रतिभा के सहारे हम कई कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं, है ना? तो अब इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हमको कुछ करना होगा, हमारे लक्ष्य निर्धारण करना होगा। हमारे अंदर सबसे पहला जो मैं इस बात से आज मैं जो आप लोगों की कहानी सुना रहा हूँ, आज शुक्रवार है, मेरा टर्न नहीं था, लेकिन मैं आज जो कहानी सुना रहा हूँ इस स्पेशल अवसर को आपके हित में मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग एक ये निर्णय कर लें कि अब हम याचक नहीं बनेंगे कि हमको पेंशन दे दो। पेंशन मिले ठीक है, जो गरीब व्यक्ति हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सरकार से जो कुछ है, हमने सरकार से तो कहा है कि हमें निर्वहन भत्ता के बजाय हमें रोजगार दिया जाए, और जब तक बेरोजगारी है तब तक बेरोजगार भत्ता दिया जाए, जिससे कि हम अपना वो तो मांग में कर रहा हूँ। लेकिन हम आज जो बात आप लोगों से करना चाहते हैं वो बात ये है, हम करना चाहते हैं कि आप लोग ये भी मांग छोड़ दें, सरकार के हम मुखापेक्षी क्यों बने? हम अपने पड़ोसी के मुखापेक्षी क्यों बने कि वो खाना बना के दे जाएगा, ये करें? कोई आपके नहीं, आप अपने अंदर अपनी प्रतिभा अपने कौशल को विकसित करिए। आप अगर कुछ नहीं पढ़े लिखे हैं तो टेलर बनिए, टेलर बन के आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हैं? पेंटर बनिए, पेंटिंग आप बना बना के बेच सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बेच सकते हैं, हैं? आप मोची बन सकते हैं, आप पॉलिश जूता मोजे सब ये सब बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। आप कहोगे कि लीजिए आप तो उतनी जगह पे बड़े बैठे हुए हमको जूता मोजे बना रहे, ना बनिए, आप पढ़ाई लिखाई करिए, पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़िए, आगे बढ़ के कुछ इतना नाम कमाइए कि आप जो है अब तो IAS PCS और इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज और यहाँ तक कि अब तो सेना में भी आंशिक दिव्यांग लोगों को टेक्निकल कार्यों के लिए या अन्य क्षेत्रों में कॉल सेंटर पे इस तरीके से उनको नौकरी दी जाने लगी। तो लेकिन आपको अपनी प्रतिभा विकसित करनी होगी। आप मुखापेक्षी बनकर के हमेशा ये सोचते रहेंगे कि हम खाली मांगते रहेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। उससे सिर्फ इतना होगा कि आप ये कहा जाएगा कि आपके पास एक दिन ऐसा होगा कि कोई आना भी पसंद नहीं करेगा, अरे यार दिव्यांग है, इनके पास जाओगे कुछ ना कुछ मांगेंगे, 5 रुपये मांगेंगे, 10 रुपये मांगेंगे, 50 मांगेंगे, कहेंगे कि हमको कुछ दे दीजिए। अरे आप क्यों मांगते हैं? हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट
और हम विकलांग साथी ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों को एक नम्र निवेदन करते हैं कि आप अपने अंदर स्वाभिमान विकसित करिए, खुददारी विकसित करिए, स्वाभिमान, याचक मत बनिए, दाता बनिए। हाँ, दिव्यांगों को दिव्यांगों के प्रति सहयोग करना चाहिए। दिव्यांग हैं तो अगर आप कुछ उनको, लेकिन मुफ्त दिव्यांग भी दिव्यांग को मुफ्त में कुछ मत दें, कर्ज दे सकते हैं, लोन दे सकते हैं, उधार दे सकते हैं, वो वापिस किया जाए, उसको वापिस करना चाहिए। अगर आप यही सब करते रहेंगे कि हम जो है कर्ज मांगते रहेंगे, कर्ज देते रहेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, आपको कर्ज में पिसते रहेंगे कुछ नहीं। और आपको एक और बात अभी तो हो गई आर्थिक स्थिति पे, दूसरी बात एक मैं बता रहा हूँ, आप अपने अंदर हीन भावना न रखिए। आप अपने अंदर एक ऐसा बताइए, अपना चारों तरफ इतना एक बड़ा ऑरा तैयार करिए कि आपके लोग मुखापेक्षी बन जाए। आपको हो सकता है कि आप इतना हो तो आपको सामाजिक उत्सवों में लोग बुलाना पसंद न करते हो, हमें भी नहीं बुलाना पसंद करते थे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे चाचा की शादी थी और चाचा की शादी में बारात में मुझको, मैं तो बैठा था ऐसे, तो मुझको नहीं ले जा रहा जाया जा रहा था, इसलिए क्योंकि मैं दिव्यांग था, पैरों से बैठ के चलता था, घिसट के चलता था, तो कहाँ ले जाते, तो वहाँ पे कोई देख लेता तो कहता कि जब ये भतीजा उनका ऐसा है तो इससे शादी क्यों कौन करे, हमारी बीबी हमारी बेटी जो है वहाँ पर जाएगी। तो चाचा ने कहा कि नहीं, मैं शादी करने नहीं जाऊँगा, मुझको लेके गए। तो ऐसा होता है, मुझको लेके गए, बड़ा अच्छा हुआ, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारे पिताजी भी थे, पिताजी भी हमारे तो बड़ा सहयोगी थे, हमारे पिताजी जो कुछ मैं बना पिताजी के वजह से बना, माँ की वजह से बना, माँ ने मुझे मेरे साथ बहुत कुछ किया। मेरी शादी हुई, मेरी पत्नी बड़ा गर्व से मेरा परिचय कराती थी, कोई दिव्यांग का। तो इस प्रकार से दिव्यांग होने को आप एक हीन भावना कि अरे मैं दिव्यांग हूँ, सब कुछ टूट गया, अब जो हो गया हो गया, वो तो अब कोई। अच्छा, एक बात और है, बहुत जगह पे अब भी होता है, हमारे परिवार में बहुत कहते हैं कुछ उस जन्म में आपने किया होगा उसका परिणाम आप भोग रहे हैं। क्या बात है, उस जन्म में हमने क्या किया, हमने उस जन्म में क्या किया, उस जन्म जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, ये कौन जानता भला। आप ऐसी कल्पना बातों के लिए हमको अपराध बोध से ग्रस्त करते हैं कि हम उस जन्म में किए थे, तो आप जो कुछ करे हो वो भोगो, कोई बहुत परेशानी नहीं, कोई दाल चावल जो कुछ मिल जाए, एक रोटी दूध रोटी खा के बस मर जाओ, ठीक है, अगला उद्देश्य प्रयास करो कि अगला जन्म हो जाए। अब इतनी बात बता बता करके दिव्यांग को और दिव्यांग बनाया जाता है, दिव्यांगतम बना दिया जाता है, उसको बिल्कुल निराश्रित कर दिया जाता है। पूर्व जन्म, अगला जन्म, ये सब जो कुछ अगर हुआ भी है तो ठीक है, जो कुछ हुआ हुआ, अब आगे के देखिए, इस समय के देखिए, आप अच्छा काम करिए, अच्छा सहयोग करिए, समाज में सशक्तिकरण की तरफ अपना भी योगदान दीजिए, दूसरों से मांगने के बजाय अपना योगदान दीजिए। आप अपने दुकान खोलिए, दुकानों में दिव्यांग लोगों को रखिए, दिव्यांगों का समूह बना करके दिव्यांगों का एक करिए। अब तो व्हाट्सएप दुकानें खुलने लगी, व्हाट्सएप बना करके उनसे रोजगार चालू करिए। मतलब आपको, आप अपना, मतलब हमारे दिव्यांग हो चाहे सकलांग हो, सकलांगों के लिए भी मैं कहता हूँ, जो ज़्यादातर कम से कम 70% हिस्सा खाली व्हाट्सएप और फेसबुक और यही सब सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया देखना और करना, उस पर लिखना सब अच्छा है, बहुत अच्छा है, बड़ा उपयोगी है, लेकिन हर समय हर पल सोशल मीडिया पर बिताना ये अच्छी बात नहीं। आप भी बनिए, निक बनिए, आप जो आपने कहानी बनाई है, हम भी चाहते हैं आप लोगों का करोड़ों रुपए का साम्राज्य हो, हम युवक बने। अब आपको मित्रों, ये हमारा 20 मिनट का उद्बोधन हो गया है, अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ, अब आगे आपसे इतना हमारा अनुनय विनय प्रार्थना है कि वोट जरूर डालने जाइएगा। आपको कौन पसंद है कौन नहीं पसंद, मैं उस पर कोई वकालत नहीं कर रहा हूँ किसको, आप बस ये देखिए किसने विकास किया है, किसने महिलाओं के सशक्तिकरण में योगदान दिया है, किसने धार्मिक भावनाओं को कम करने का प्रयास किया है, उन्माद को कम किया है, कैसे ये कोरोना काल में किस प्रकार की आपात परिस्थितियों में किसने नियंत्रण किया है, किसने सहयोग किया था, हमारे विपक्षी दलों ने भी सहयोग किया ऐसा नहीं, और सरकार ने किया, तो उसके आकलन करिए।
और व्यक्तिगत रूप से जो खड़ा है आपके यहाँ प्रत्याशी उसकी ठीक है, वो करता है कि नहीं करता है, बोलता है आपको, लेकिन ये देखिए कि वो किस दल से खड़ा है। गुंडा मवाली दल से ना हो जहाँ पर खूब लूटपाट हो रही हो। मैं किसी दल का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन वमर्थन नहीं कर रहा हूँ, न विरोध कर रहा हूँ, लेकिन ये बात हमारा देखने के लिए फर्ज है। हम आगे आने वाला समाज, अगर आने वाला हिंदुस्तान को एक विश्व का सर्वोच्च सर्व उच्च शिखर पर सबसे नंबर एक का राष्ट्र बनाना चाहते हैं, अपने प्रदेश को नंबर एक का प्रदेश बनाना चाहते हैं, तो हमको इन सब बातों को सोच करके ही वोट देना चाहते हैं। अब हम किसी रोज चोर उचक्के को वोट देंगे और जो हमेशा लोगों के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा, कभी कोई बात नहीं सुनता रहा, खाली दारू के ठेके दिलवाता रहा, उन्हीं पे सब वसूली करता रहा, तो फिर हम उस समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उसको फिर गाली न दें, हम अपने गाली दें। हमने जब उसको चुना है तभी तो हुआ। हम इसलिए मित्रों बड़ा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन करते हैं कि जिस भी पार्टी को, जिस भी व्यक्ति को आप वोट दें, अपनी व्यक्तिगत, अगर आपका भाई, आपका पिता, आपका घर का भी कोई गलत पार्टी के साथ खड़ा है तो उसको वोट मत दीजिए। जातिवाद पे वोट मत दीजिए कि पंडित जी हैं तो पंडित जी को वोट दें, यादव जी हैं तो यादव जी को वोट दें, ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी को दें, सिंह है तो सिंह को दें, ये कुछ नहीं। और न लिंगवाद देखे कि वो महिला है तो महिला को दें, वो पुरुष है तो पुरुष है, पुरुष कहे कि महिला खड़ी मैं वोट नहीं, तो ये गलत बात है। आप सिर्फ उसके किस राजनीतिक दल से है, क्या उसकी इस समय योगदान देश के निर्माण में है, समाज के निर्माण में क्या योगदान है, गरीबों के उत्थान में उसका क्या योगदान है, इस बात को देखिए। अब रही बात आप पूछते हैं कि दिव्यांगों की कोई बात नहीं कर रहा, ठीक है मैं भी उसके ऊपर, लेकिन अभी इस समय दिव्यांगों का किसने क्या किया है इस बात को भी ध्यान में रख रहा हूँ। मैं सीधे तौर पर किसी भी दल विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप सब जानते हैं, आप हमसे ज़्यादा समझदार हैं, आप सोच विचार करके वोट कीजिए और वोट उसी को दीजिए जो समाज का उत्थान कर सके, जिस पे आप भरोसा कर सके, जो आपके लिए सकारात्मक दृष्टिकोण, समाज सकारात्मक निर्माण का प्रवाह कर सके, उसी को वोट दीजिए। हैं, आज जो कहानी सुनाई आपको कैसी लगी, इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, क्या आप भी बनेंगे ऐसा ही, आपका भी आर्थिक साम्राज्य होगा, क्या आप भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन करके लोगों को आगे ले जाएंगे? हम भी आपके मोटिवेशनल का इंतज़ार करेंगे, हम भी आपसे मोटिवेट होंगे। हमको तो बहुत कुछ आता ही नहीं, हम तो सब आप लोगों से सीख रहे हैं, तो सीखिए, हम भी आपसे सीखें, आप हमसे कुछ जो कुछ हम बता सकते हैं तो उससे सीखिए, लेकिन हमको सीखने की ललक ज़्यादा है और जो कुछ आता है वो आप बताते भी हैं। हम तो एक छोटे से जो अगर अपना ड्राइवर है उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं, ड्राइवर ने हमको बहुत चीज़ें यूट्यूब में करना बताया, फोटोग्राफी में करना बताया, रिक्शा वाला एक हमारा चलता था, बहुत सी बातें वो बताया कि हम कैसे थे, किस तरीके से थे, कितनी गरीबी में थे। उससे हमारे घर पे एक खाना बनाने वाली आती, उसकी जिजीविषा, उसका समर्पण, उसका काम करने का ढंग देखकर उससे भी सीखता हूँ। वो अपने काम में कतई समझौता नहीं करती, अगर पोछा लगाना है तो लगाएगी जरूर, हम चाहे जितना कहें कि हमको मोटिवेशन, हमको वीडियो बनाना आप मत करिए, नहीं अरे भैया हम करेंगे जरूर। तो जो काम आपको है उस काम को आप हर एक से सीखें, हर एक से सीखने की आवश्यकता है। तो मित्रों हम आपके बड़े कृतज्ञ हैं, हमको आपने इतना समय दिया, इतनी देर तक झेला और इतनी देर सुना, मैं बहुत बहुत नमस्कार। आप मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वॉच टाइम बढ़ाइए, हाँ मित्रों थोड़ा सा कमेंट ज़्यादा लिखिए। अब जैसे आज का वीडियो है, हमने ये वीडियो डाला है, कमेंट इस पर अगर आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब आप कुछ लिखें ही नहीं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, हम ऐसे चिड़चिड़ाते रहेंगे, बड़बड़ाते रहेंगे, बताते रहेंगे, कुछ भी नहीं दिया तो हमारे अंदर एक फिर अवसाद निराशा जागृत होगी। तो मित्रों आप लोग कुछ करिए, नमस्कार। आपका दिन आज का शुभ हो, आप अपने मार्ग को प्रशस्त करें, आप एक नए निकी बने और एक नया साम्राज्य अपने अर्थतंत्र का स्थापित करें, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार।